इधर रायपुर में हुए कांग्रेस के महाधिवेशन को कांग्रेस नेताओं ने सफल बताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद हमारा अधिवेशन सफल रहा। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए धन्यवाद दिया है। सबने मिलकर जो मेहनत की, दिन रात मेहनत की, मुझे नहीं लगता कि कोई कोई तो रात भर सो भी पाए होंगे। मीडिया के साथियों ने हमारा पूरा साथ दिया। हम जानते हैं कभी कभी किसी को थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन सबने उस बात को बड़े अच्छे से, अच्छे स्पिरिट में लेकर ये काम किया है। आसान नहीं था, आसान बिल्कुल नहीं था। दूर दूर से लोग आए, हजारों की तादाद में लोग आए, सबका रहने का, खाने का सारी व्यवस्था, और वहाँ पर भी कभी गर्मी कभी कुछ, लेकिन सबने, आप सबने मिलकर यहाँ इस आयोजन को सफल बनाया है। और एक नया संदेश जो यहाँ से गया है पूरे देश के लिए कि चाहे कुछ भी करे भारतीय जनता पार्टी, इनकी सोच, इनकी सरकार अपनी एजेंसीज का कितना भी मिसयूज़ करें, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी उनसे दबने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी, चाहे उनके सहयोगियों पर, मंत्रियों पर, चाहे हमारे दफ्तरों पर, सरकारी दफ्तरों पर भी दिन रात जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ित करने का प्रयास किया, उससे साफ जाहिर होता है कि ये कैसी दमन की राजनीति करते हैं। और बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि इसका उल्टा असर जाएगा छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में भी। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश के हमारे जितने मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायकगण हैं, संगठन के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उसके अलावा भी अन्य साथी जो इसमें लगे हुए थे, पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने बहुत बढ़िया कवरेज किया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी पूरा व्यवस्था बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से संचालित किया, उसके लिए सभी हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई। पहली बार हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है। उनने सुना भी नहीं होगा कि कांग्रेस ने अपने संविधान में बड़े परिवर्तन किए हैं। 50 साल से कम आयु के लोगों के लिए एक स्थान संगठन में संवैधानिक तौर पे देना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत साहसिक कदम था, बहुत परिवर्तनशील कदम है। और उसमें 50% आरक्षण की भी बात है ST, SC, OBC माइनॉरिटीज़ के लिए, और महिलाओं के लिए संपूर्ण पदों में 50% के आरक्षण की बात है। ये उनको अगर अमृत नहीं दिखता है, ये उनको झाग दिखता है, तो उनको झाग मुबारक हो। बहुत कामयाब था, बहुत सभी जगह जो इतने हमारे रेजोल्यूशंस हुई, 6 मते जो पास हुए, सभी पे अच्छी चर्चा हुई, लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और अखीर में उनको पारित किया। और उसके बाद अखीर में एक जो यहाँ से हुंकार कहते हैं कि हमने उसका निचोड़ निकाल के क्या हम चाहते हैं, उसके प्रति भी कहा गया बहुत अच्छा। इसमें 12,000 से ऊपर लोग इन्होंने हिस्सा लिया। इसमें प्रदेशों के कांग्रेस कमिटीज़ के जो डेलीगेट्स थे, सभी सदस्य होते हैं, वो आए, और 1200 तकरीबन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं वो इसमें हुए। और संविधान में बहुत अच्छे संशोधन हमारे कांग्रेस के संविधान में किए हैं। और